वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत अच्छा सा न्यूमोनिक है, ABCDE ऑफ मेलानोमा। तो उस न्यूमोनिक के बारे में हम आगे देखेंगे। ये आपको बहुत यूजफुल रहने वाला है। आप नॉर्सेट दोगे या आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में जो आंसर क्वेश्चन आएंगे उसके रिलेटेड भी आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी न्यूमोनिक है। ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ते हैं तो पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं। मेलानोमा है, स्किन कैंसर है, मोस्ट कॉमनली डायग्नोस कैंसर है। मेलानोमा मतलब स्किन कैंसर ही है, डेडली स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर क्या है, एक मोस्ट कॉमनली डायग्नोस कैंसर है, मतलब आउट ऑफ ऑल कैंसर से मोस्ट कॉमनली डायग्नोस होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा उसमें मोस्ट कॉमन है सिस्टोलॉजिकल टाइप। 56% जो कंट्रीब्यूट करता है वो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, फॉलोड बाय मेलानोमा जो 26% होता है एंड बेसल सेल कार्सिनोमा जो कि 18% होता है। तो ये तीन टाइप के जो स्किन कैंसर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो 56% है, मेलानोमा 26% है और लास्ट है बेसल सेल कार्सिनोमा जो है 18% आपको कंट्रीब्यूट करता है आपके ओवरऑल कैंसर्स के डायग्नोसिस में। तो ये डायग्नोस कैसे करना है, अर्ली डायग्नोस हमें जो भी आगे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो भी पेशेंट है जो सफर होगा इस कैंसर से, तो अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट आपको करना है। तो आपको कैसे करोगे, आप कैसे डायग्नोस करोगे कि इस पेशेंट को या इस इंडिविजुअल को रिस्क है, हाई रिस्क कैंडिडेट्स जो है इन मतलब उसमें चेंजेस दिख रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे आपको डायग्नोस करोगे कि पेशेंट को मेलानोमा हो सकता है। तो आपको ये ट्रिक तब याद आ जाएगी, तो आप इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अच्छे से डायग्नोस कर पाओगे कि पेशेंट को कितना रिस्क है, पेशेंट ये हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं स्किन कैंसर के लिए या मतलब मेलानोमा के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ए फॉर है असिमेट्री। तो पहले हमें क्या देखना है, एबीसीडी ऑफ मेलानोमा में हमें देखना है ए फॉर क्या होता है, असिमेट्री। तो असिमेट्री जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें क्या देखना है, वन हाफ अनलाइक द अदर हाफ। मतलब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, इमेज के बेसिस पे आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे। ये रहा आपका स्किन लीजन जो कि फ्यूचर में मेलानोमा में कन्वर्ट हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। तो पहले आपको जो स्किन लीजन है उसको कैसे ये करना है, तो आपको पहले उसका असिमेट्री देखना है कि वो सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो वो मेलानोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं, असिमेट्रिकल होता है मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, इसका एक हाफ में आप देखो यहाँ पे चेंजेस आपको नजर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका हाफ ये अलग है और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में कितना असिमेट्री है आपको देखने को मिल जाएगा। सिमेट्रिकल जो होता ये जो अलग पार्ट यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है ये नहीं होता, ये इस तरह ही अदर साइड में होता तो ये सिमेट्रिकल हम कह सकते थे, लेकिन ये असिमेट्री है। तो आपको यही चीज देखनी है स्किन लीजन में ताकि आप जल्दी से उसको डायग्नोस करके अर्ली डायग्नोस करके या अर्ली डिटेक्शन करके आपको उसको ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। बिफोर हमें क्या देखना है, बॉर्डर इरेगुलरिटी देखना है। खाली बॉर्डर नहीं देखना है, बॉर्डर इरेगुलरिटी जो है वो देखनी है। तो जैसे इसमें क्या देखना है, एजेस आर रेक्ट नॉश और ब्लर्ड। तो आप इसमें देख सकते हो इसकी जो बॉर्डर है एकदम स्पेसिफिकली डिफाइन किया जा सकता है, जो बॉर्डर है परफेक्टली डिजाइन, मतलब परफेक्ट एक आप इसको ये कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो इरेगुलर है, इरेगुलरिटी आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा आउटसाइड होते हुए ये बॉर्डर जो है ये फेंट होती नजर आ रही है। जैसे इनसाइड में ये जो डार्क है इतना आउटसाइड बॉर्डर्स में ये देखो आप यहाँ पे बहुत फीका फीका आपको कलर चेंज ही दिखाई देगा। तो इसी को ही बॉर्डर इरेगुलरिटीज में हमें देखना है। जैसे एजेस हमें देखना है, एक तो ये यहाँ पे एकदम प्लेन है, यहाँ पे आपको नॉचेस भी दिखने को मिलेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे एक नॉच आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको इसके बॉर्डर में एक नॉच दिखने को मिल रहा है। ये नॉच आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ से ऐसे, और ये थोड़ा ब्लर भी हो रहा है यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लरिंग थोड़ा आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको नॉच नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है बॉर्डर इरेगुलरिटीज में।
ए फॉर असिमेट्री, बी फॉर बॉर्डर, बॉर्डर इरेगुलरिटी में क्या क्या देखना है, नॉचेस है कि नहीं, बॉर्डर स्मूथ है, ब्लर्ड है, कैसे है, रेग्ड है, ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, सी, सी फॉर वो नहीं होता है, सी फॉर कलर होता है, वेरिड पिगमेंटेशन, कलर में क्या देखना है, कलर, तो इसका जो कलर है वो अलग अलग कलर आपको स्किन लेजन का देखने को मिलेगा, वेरिड पिगमेंटेशन, शेड्स ऑफ टैन, ब्राउन एंड ब्लैक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो आपके है ये है ब्राउन कलर का शेड आप देख रहे हो, और यही आगे जाके आपको देख रहे हो ये शेडिंग आप देख रहे हो ये है कंप्लीट ब्लैक कलर का शेडिंग है। तो ऐसे डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे, तो ये जो है ये बेसिक रहेगा, ये आगे इवॉल्व होता जा रहा है, तो ये कलर आपको चेंजेस आपको नोटिस करना है, और कलर चेंज नोटिस होता है मतलब पहले से ही आपको पेशेंट को, या पेशेंट को खुद पूछना है, या पेशेंट खुद सेल्फ स्किन असेसमेंट करेगा, जैसे ब्रेड सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वैसे ही ये एबीसीडी है सेल्फ स्किन एग्जामिनेशन के लिए, पेशेंट खुद ही नोटिस करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा, या फिर जब पेशेंट एडमिट होता है उस ड्यूरेशन में आप उसका चेंजेस देख सकते हो, जैसे कोई मोल है पेशेंट के बॉडी पे तो उसको आप फर्स्ट टाइम में नोटिस करोगे एडमिशन पे, प्राइमरी असेसमेंट जो करते हो ऑन एडमिशन टाइम उसको आप नोटिस करोगे, और डिस्चार्ज टाइम तक कुछ चेंजेस होते हैं डेली पेशेंट के उस मोल में या उस पर्टिकुलर स्किन लीजन में, तो आप उसको नोटिस करके इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये एबीसीडी ये जो प्रोटोकॉल है हेल्थ केयर वर्कर के लिए, और पेशेंट खुद मतलब इंडिविजुअल्स जो कॉमन फैमिली में रहते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो अगर आप मेडिकल पर्सन हो तो आप किसी नॉन मेडिकल्स को ये सेंड करके उनको बता सकते हो कि उनके शरीर में अगर ऐसे कुछ दाग आ रहे हैं और दाग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कैसे जानना है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से आपको डॉक्टर को बताना है हॉस्पिटल में जाके, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हो। इसमें हो गया कलर, देख रहे हो आप ब्राउन है और यहाँ पे थोड़ा ब्लैकिश टैन कलर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना है हमें डायमीटर, जो लीजन है पहले से कैसा है, आप यहाँ पे देख पाओगे ये लीजन जो है छोटा है, और एज कंपेयर टू दिस मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसका प्रॉपर सर्कल अगर देखे और इसका जो डायमीटर अगर हम देखे जाएंगे, प्रॉपर सर्कल में बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो डायमीटर है इसका हम देखेंगे तो ये 6 mm से अगर ज्यादा होता है, मतलब पहले अगर ये 4 mm है, आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो है डायमीटर, ये डायमीटर है टोटल देखने में, ये जैसे 4 mm रहेगा और ये 6 mm है, तो इसमें चेंजेस हो गए हैं, मतलब डायमीटर हमारा 6 mm से ज्यादा बढ़ गया है, मतलब ये इरेगुलरिटी आ गई है उस मोल में, क्योंकि कोई भी मोल इतना 6 mm से बड़ा नहीं होता है, अगर वो बड़ा होता है या लीजन बड़ा होता है तो हमें जल्दी से जल्दी स्किन डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, या फिर कोई भी नजदीकी हॉस्पिटल को जाके आपको दिखाना होगा, और कोई भी घर में इलाज ना करे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेशेंट देखने को मिलेगा जिनका एक मोल था, उन्होंने घर में ही दवाई लेके कुछ इलाज किया था, फिर उनका वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, पहले डायग्नोस हुआ था, बाद में जब उनको ऑपरेट हुआ उसके बाद में वो बेसल सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया है, तो उनका पूरा फेस स्ट्रक्चर ही इम्पेयर्ड हो गया है, उनको ग्राफ्टिंग, उनको फ्लैप लगाना पड़ा, उनको ग्राफ्ट लगाना पड़ा बहुत जगह से, क्योंकि जो नॉर्मल है स्किन फेस का वो बहुत डैमेज हो रखा था, क्योंकि वो कैंसरस में कन्वर्ट हो गया था, तो एक छोटा सा मोल आपकी जिंदगी का, एक अनमोल जिंदगी आपका बर्बाद कर सकता है, तो ये ध्यान में रखना है, कोई भी घर में इलाज ना करे, आपको अगर कोई चेंजेस दिखता है स्किन लीजन में या दाग में तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। आगे बढ़ते हैं, ई देखेंगे, एबीसीडी लास्ट पार्ट है अपने निमोनिक का, तो ये है इवॉल्विंग, मतलब जो भी आपका स्किन लीजन है वो इवॉल्व कर रहा है कि क्या कर रहा है आपको देखना है, चेंजिंग अपेयरेंस में आप ये देख सके हो, यहाँ पे चेंजिंग अपेयरेंस हो रहा है, उसमें क्या देखना है आपको, चेंज इन उसमें शेप होगा या साइज, कलर या कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको इस क्राइटेरिया में डाल के डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, और जो स्टूडेंट लोग हैं नर्सिंग के वो लोग इसके माध्यम से आपका क्वेश्चन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ताकि जो एग्जामिनर रहेगा एकदम खुश हो जाएगा, आपके पॉइंट से पॉइंट वाइज लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, थोड़ा पॉइंट वाइज डालोगे तो इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें इवॉल्विंग में हम देख रहे हैं, जो ये नीचे इमेजेस देखो बहुत सारे हैं, इसमें स्किन चेंज, स्किन मतलब जो लीजन है ये देखो, फिर इसमें थोड़ा चेंजेस आपको नजर आएगा हर बार में, यहाँ पे देखो आपको नॉचेस मिलेंगे, यहाँ
यहाँ पे बॉर्डर इरेगुलरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको जो ब्लड बॉर्डर्स है ये देखने को मिल रहे हैं, यहाँ में कलर चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे असिमेट्री भी आप देख रहे हो, जो हाफ है यहाँ पे अगर हाफ किया जाए तो आपको ये असिमेट्री दिखने का मिलेगा, यहाँ पे देखो ये दो पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है और बॉर्डर्स भी इसके रेगुलर है, यहाँ पे भी देखो आप कितना नॉचेस मिल रहा है आपको यहाँ देखने के लिए, यहाँ इनर पार्ट में कुछ चेंजेस अलग आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये है जो इवॉल्विंग में आपको चेंजेस देखने हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये जो वीडियो है तीनों लोगों के लिए है, जो मेडिकल पर्सन है वो अपना पेशेंट को डायग्नोस कर पाएंगे, जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो अपना अच्छे से पेपर एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से इम्प्रेशन कर पाएंगे, पॉइंट वाइज लिख पाएंगे तो इम्प्रेस्ड होंगे एग्जामिनर जो आपसे होंगे, और जो ले पर्सन है मतलब जो नॉन मेडिकल है उनको मेडिकल नॉलेज नहीं है, जो नर्सिंग फील्ड से या कोई भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना खुद का डायग्नोसिस कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो भी मेडिकल है आपके नॉन मेडिकल घर वालों को या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। जो भी स्किन कैंसर है मैंने पहले बताया है 56% स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, 26% मेलानोमा आपको देखने को मिलेगा, तो ये अर्ली डायग्नोस कर पाओगे तो अर्ली ट्रीटमेंट हो पाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट होता है तो फाइनल स्टेज में जाने से पहले ही हम पेशेंट को बचा सकते हैं या किसी रिलेटिव को किसी नोन को हम बचा पाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लोगों में अवेयरनेस कीजिए, हेल्थ एजुकेशन देना ही नर्सिंग का मेन काम होता है, तो ये चीजें हैं, हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर कीजिए, और आपकी सच्चे मन से किसी की मदद करना चाहते हो तब ले पर्सन जो है जिनको कोई भी मेडिकल नॉलेज नहीं है, जो घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं किसी स्किन लेजन का या किसी बीमारी का, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा है, क्योंकि इसमें मैंने केस प्रेजेंटेशन का थोड़ा मतलब प्रेजेंट नहीं किया है, मैंने उसका कहीं मेंशन नहीं, बस मैंने थोड़ा बोला है, क्योंकि एक पेशेंट हमें देखने को ऐसा मिला था जिन्होंने घर पे ही एक मेलानोमा मनरू को एक मोल था, उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने घर में ही की, निकालने की कोशिश की थी और उसका स्प्रेड ज्यादा हो गया, तो उसके बाद में उनको क्या क्या सफर करना पड़ा मैंने बताया है, तो आप ऐसे ही सामने वाले को बताओगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वीडियो आप उन तक शेयर कीजिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ABCD, ABCDE, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरे का एप्पल, ये नहीं है, हमें क्या ध्यान में रखना है, ए फॉर असिमेट्री, असिमेट्री में क्या होगा, दो चीजें दो हाफ साइड उसकी सेम नहीं होगी, जैसे ये रहा हमारा सर्कल, तो इसकी जैसे अगर हम हाफ करेंगे तो दोनों साइड सेम रहेंगे, लेकिन उसका ऐसे रहेगा ये रहेगा, तो आप देख पाओगे कि यहां से इसका हाफ साइड बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ पे देखो ये अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको बी फॉर बॉर्डर इरेगुलरिटीज देखनी है, किसी की बॉर्डर एकदम परफेक्ट ये होगी आपको बता पाओगे और किसी की बॉर्डर एकदम ऐसी होगी, ये भारत पाकिस्तान वाला नकाशा है जो चपाती में लड़कियों लोग बनाती है नहीं नहीं सीखते टाइम, तो ऐसे ही है बॉर्डर इरेगुलरिटी आपको देखनी है, तो रेग्ड होगी या नॉच्ड होगी आपको यहाँ नॉचेस देखने को मिलेंगे, या जो प्रॉपर बॉर्डर होगा वो एकदम आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको देखना है कलर, कलर क्या है, वेरिड पिगमेंटेशन शेड्स ब्राउन और ब्लैक, तो जैसे चपाती आप बना रहे हो एकदम अच्छी सी और उसको काला काला कर दिया पूरा काला जला डाला चपाती को, तो कैसे दिखेगा, वैसे ही आपका मोल का कलर आपको देखना है, ये हुई आपकी जली हुई चपाती, वैसे ही आपको काला मोल दिखेगा, ये एक ब्राउन आपको दिखेगा, तो ये डिफरेंसेस कलर में आपको देखने को मिलेंगे, जो डायमीटर है देख पाओगे यहाँ पे 6 mm से ज्यादा डायमीटर होता है, तो ये रिस्क में ज्यादा ज्यादा है पेशेंट, तो 6 mm से आपको ये मेजर भी करना है और इसमें ध्यान भी रखना है, मेडिकल हो तो आप ध्यान पाओगे, घर वाले हो या कोई ले पर्सन हो जिनको ये नॉलेज नहीं है आप उनको तक नॉलेज पहुंचाइए, ताकि ये लोग अच्छे से समझ के डॉक्टर को बता पाएंगे कि पहले ये गोरा था फिर ये काला हो गया है, इस लैंग्वेज में भी बताएंगे तो डॉक्टर इतने होशियार होते हैं कि समझ जाएंगे, वो बोलेंगे पेशेंट सर हमारा पहले ये तो बचपन से गोल था फिर ये ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि बॉर्डर इरेगुलरिटीज आ गई है, असिमेट्री पहले गोल था एक हाफ सर्कल एक साइड में ज्यादा बढ़ गया है तो असिमेट्री आ गया है, डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो नर्सिंग ऑफिसर हो ये जल्दी से आपको डायग्नोस कर पाएंगे और अच्छे से आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर के माध्यम से शुरू कर पाएंगे, तो जान बचानी है खुद की और दूसरों की, तो वीडियो शेयर करना ना भूले, इवॉल्विंग आपको देखना है, इवॉल्व क्या हो रहा है, जो एक मोल है प्रॉपरली पहले ऐसे गोल रहा होगा फिर वो कहीं और शेप में चेंज हो गया है, कहीं उसका
कलर आपको अलग मिल रहा है, पहले नॉर्मल रहा होगा फिर कलर चेंज मिल रहा है, कहीं आपको ये बॉर्डर और टेढ़ा मेढ़ा बड़ा मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ई फॉर इवॉल्विंग में देखना है, चेंज इन शेप आपको यहाँ देखना है, शेप साइज कलर और अदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे वो पहले फ्लैट था फिर वो स्किन के ऊपर में ऐसे थोड़ा बढ़ने को दिख रहा है हमें, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये इस पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ये जो चीजें हैं मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, तो ज्यादा आप इमेज सेंटर में मत जाइए। इमेज मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग से एक एक पार्ट वाइज बताई है, ये बस रिवाइज के लिए मैंने ऐसे बनाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब तक पहुंचाना है, सबकी जान बचाना है। अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट और गुड आउटकम। थैंक यू।